नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरव है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल रूम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप Redmi Note 7 Pro को बाय करना चाहते हैं पहले ही सेल में, तो आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं, और बहुत ही इजी स्टेप्स बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से उसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, 6 तारीख को जो Redmi Note 7 की जो सेल थी वो अब निकल चुकी है, जो कि मैंने पहले ही सेल में Redmi Note 7 की सेल में 4GB रैम और 64GB वेरिएंट वाला फ़ोन जो है मैंने ऑर्डर कर लिया। आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने ऑर्डर किया है या नहीं किया है। सो गाइज़, आप यहाँ पे चलिए ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं, ये मैंने Redmi Note 7, ये देखिए मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ आपको, प्रूफ है ये मेरे पास कि मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है। आप देख सकते हैं Redmi Note 7 है, ब्लैक कलर में है, 64GB वेरिएंट वाला, जो कि मैंने ऑर्डर कर लिया Flipkart के थ्रू। पहले ही सेल में मैंने इसको निकाल लिया। सो दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से Redmi Note 7 Pro को भी आसानी से बाय कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, वो आपको जाना है प्रोफाइल में। अपने प्रोफाइल में जाने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, मैनेज एड्रेस पे जाना है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी आपके पास एड्रेसेस होंगे वो सारे के सारे एड्रेस को डिलीट कर देना है, और एक ही एड्रेस को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखना है आपको, केवल एक ही एड्रेस को डिफ़ॉल्ट रखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लॉगिन हो जाएगा आपका अकाउंट, डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आपकी सेल आती है, मान लीजिए आपकी सेल कोई आती है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी इन्फिनिक्स कोई भी सेट ले लिया है, ठीक है गाइस, मैंने कोई सा भी एक सेट ले लिया यहाँ पर, और जैसे ही आपकी सेल जैसे टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है, वैसे ही आपको ऐड टू कार्ड करना है। अगर ये ऐड टू कार्ड नहीं होता है, कुछ सेकंड्स का वेट कर लीजिएगा, और आप मतलब कुछ सेकंड्स तक आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आएगा तुरंत ऐड कर दीजिएगा। और जैसे ही और कुछ ऑप्शंस और भी आते हैं, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आता है, ज्वाइन टू विजिट लिस्ट का ऑप्शन आता है, उस पर भी आप विजिट कर दीजिएगा। अगर आपसे छूट जाता है तब, वैसे छूटेगा नहीं, आपको क्या करना है, बाय पर क्लिक नहीं करना है, आपको ऐड टू कार्ड पर क्लिक करना है। अगर आप Redmi Note 7 Pro को बाय करना चाहते हैं तो यही मेथड कीजिएगा, आपको 100% फ़ोन आपके पास आ जाएगा। तो आपको गो टू कार्ट पे क्लिक करना है, ना कि बाय पे। जैसे ही आप गो टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ये सीधे ही आपके कार्ड में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइमिंग चलेगा, कुल मिला के आपको पेमेंट के लिए 5 to 6 मिनट्स दिए जाएंगे पेमेंट करने के लिए। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही आपका टाइम उन्होंने दिया हुआ है आपको कि 6 मिनट्स के अंदर आपको पेमेंट करनी है, अगर आपने उस टाइम्स के अंदर में अगर आपने पेमेंट कर दी, तो आपका जो फ़ोन है वो ऑर्डर हो जाएगा। और अगर आप टाइम के अंदर में पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सो गाइज, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग के क्वेश्चंस थे कि हम लोग इसको कैसे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइज, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए आपको सिंपल एक काम करना पड़ेगा, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, नया अकाउंट फ्लिपकार्ट का, या फिर आपने वो अकाउंट यूज़ किया हो जो अकाउंट में आपने केवल कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और उसके थ्रू आपने जो फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर्स किए हुए हैं कैश ऑन डिलीवरी, वही अकाउंट का यूज़ कीजिएगा और Redmi Note 7 Pro को बाय करने में। क्योंकि अगर आपने कोई भी अकाउंट्स आपका खुद का है जिसमें आपने फ़ोन पे को ऐड कर रखा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देगा ही नहीं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर आप उस अकाउंट का यूज़ कीजिएगा जिसमें आपने पहले ही कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, बहुत सारे जो सेट हो गए, फ़ोन हो गए, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो गया आपने बाय किया है, वो सारे के सारे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किए होंगे, उस अकाउंट के थ्रू आप Redmi Note 7 Pro को बाय कीजिएगा। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही आप बाय पे ऐड टू कार्ट करेंगे, तो ऐड टू कार्ट करने के बाद आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, और उसके बाद जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आपका ये चीज़ें आ जाएंगी ऐसे करके, और यहाँ पे आपका टाइमर चलेगा। देखिए, हम यहाँ Redmi Note 7 Pro है, 6GB 4GB जो भी आपको वेरिएंट बाय करना है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये 13,999 रुपये का हमको सेट मिलेगा, और जैसे ही आप इसे कंटिन्यू करेंगे, आपको यहाँ कहेगा कि आप कंटिन्यू कीजिए चेकआउट करने के लिए। जैसे आप चेकआउट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, ऐसा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आएगा, आप कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू इसको पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू पेमेंट नहीं लेना चाहते, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक कंसर्नली बताना चाहता हूँ कि आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन का यूज़ मत कीजिएगा, आप करिएगा UPI का। अगर आप UPI का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या ऑप्शंस होते हैं इसमें। अगर आप किसी भी UPI का यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे UPI कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन पे में अकाउंट है, या फिर नहीं भी है, तो आप अनदर UPI पे क्लिक करके अपना यहाँ पे आप UPI डाल सकते हैं, और UPI डाल के आप यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचेगा, जो OTP आने का दिक्कत होती है वो OTP नहीं आएगी। OTP की वजह से क्या होता है कि कुछ सेकंड्स या कुछ टाइम लग जाता है, नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो टाइम दिए गए होते हैं वो टाइम लिमिट
ख़त्म हो जाती है। तो आप इस मेथड का यूज़ कीजिएगा, आप UPI के थ्रू पेमेंट कीजिएगा और आपका जो सेट है वो 100% आप उसको बाय कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये नॉलेज आपको पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।